टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शील स्थित MMRDA दोस्ती रेंटल फ्लैट घोटाला जो सामने आया था, उसमें अब विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने निष्पक्ष जांच करने के लिए जांच समिति गठित करने की मांग की है। सानू पठान का आरोप है कि इतना बड़ा घोटाला बिना अधिकारियों के मिली भगत के नहीं हो सकता है। कौन कौन अधिकारी इस घोटाले में शामिल है, उनका नाम सामने आना बेहद ही जरूरी है। इसके लिए आज विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने मनपा अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी से मुलाकात की। इस दौरान अनीता राजन कीने और राजन कीने, रूपाली गोटे, अश्रीन राउत, फरजाना शेख, मोरेश्वर कीने, राजू अंसारी, जफर नुमानी ऐसे अन्य तमाम लोग मौजूद थे। सानू पठान ने अतिरिक्त आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और बताया कि फर्जी दस्तावेज, डुप्लीकेट चाभी बनाकर इतना बड़ा घोटाला ये किया गया है, इसका खुलासा होना बेहद ही जरूरी है। मुंब्रा और शील डायघर पुलिस स्टेशन में इस घोटाले के संबंध में अलग अलग FIR दर्ज किए गए हैं। सानू पठान ने बताया कि इस निष्पक्ष जांच के लिए समिति गठित की जाए, जिसके लिए 8 दिन का समय दिया गया है और समिति गठित अगर 8 दिन में नहीं की जाएगी तो विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान मनपा कार्यालय के सामने ही आंदोलन पर बैठेंगे। थाने महानगर पालिका द्वारा बांटे गए बाधित लोगों को घर प्रकल्प वो था, MMRDA ने थाने महानगर पालिका को घर दी थी। थाने महानगर पालिका ने जो बाधित लोग थे उनकी यादें बना के कई लोगों को दी थी। ज़्यादातर 2016 में रास्ता रुंधीकरण में जो लोग बाधित थे उनको कई लोगों को रूम में उसमें घर दिया गया था। प्रश्न हमने माननीय आयुक्त साहब से ये मांगनी की है, पिछले 1 महीने के अंदर 1 FIR 31/12 को हो रही है दिसंबर और 1 उससे 15 दिन पहले युवा प्रवर्तक समिति और मुंब्रा पुलिस स्टेशन डायगर पुलिस स्टेशन 2 FIR दाखिल हो रही है। 1 FIR में ये कहा गया कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया जो उसमें रहते थे, लेकिन ऐसे ही मुंब्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया। इतना बड़ा मामला है और थाने महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो बाधित को घर दे रही है, वो महापालिका की जिम्मेदारी है। बायोमेट्रिक कई सारे मिले गए, उनके पास ताबा पावती मिली गई है, कंप्यूटराइज चाबी जो ऐसे ही चाबी नहीं बन सकती थी, कंप्यूटराइज चाबी ऐसे कई 100 फ्लैटों की मिली गई। ये फ्लैट कोई कुछ लोग बोले कि वो तोड़ा गया है, तोड़ के घुस गए, तो इम्पॉसिबल है। इतनी कई 100 चाबियाँ, कई 100 घर तोड़ के नहीं हो सकते। महापालिका को उधर जाके विजिट करके भी देखेंगे तो ये बात मालूम पड़ेगा कि चाबी बाकायदा चाबी के ऊपर चाबी बनाई गई है। और ये सब मालमत्ता, ये सब डॉक्यूमेंट थाने महानगर पालिका के अंदर के, बिना थाने महानगर पालिका के बड़े संरक्षक बड़ा हाथ हुए बिना ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमने ये मांग की है आयुक्त महोदय एक कमिटी गठित करे जिसमें महापौर और प्रमुख पदाधिकारी रहे और 1 महीने के अंदर वो कमिटी जो अपना अहवाल है वो महासभा में दे, ताकि जो ओरिजिनल दोषी है, छोटे मोटे को छोड़ दिया जाए, ओरिजिनल दोषी है इसमें, मेन स्कैम किसका है, इसके संरक्षक किसका है। ये एक तरफ शासन की मालमत्ता है, दूसरी तरफ थाने महानगर पालिका के टैक्सपेयर लोगों का पैसा है, मुंबई के हमारे महाराष्ट्र के टैक्सपेयर लोगों का पैसा है। एक उसको ऐसे ही भ्रष्टाचार करके जिनके घर नहीं है उनको झूठे पत्र और डॉक्यूमेंट्स बना के उनको दे दिए गए, लाखों रुपये उनसे ले लिए गए। और ऐसे ही जो थानेकार जो बाधित लोग हैं ओरिजिनल, वो इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहे, कई जगहों पर जिनके घर नहीं थे, हक जिसका नहीं था उससे हटा के दूसरों को दिया जा रहा है और हकदार तरस रहा है। हमारी 8 दिन के अंदर ये विनती थी, 8 दिन के अंदर अगर आपने कमेटी गठित नहीं की तो मुझे मजबूरन थाने महानगर पालिका के मुख्य द्वार के बाद बेमुद्दत धरने पर बैठना पड़ेगा। कोविड के कारण चेन आन धरना रहेगा, मैं खुद 2 या 3 जन के साथ बैठूंगा और उस पर लोग आते रहेंगे, लेकिन मैं परमानेंट जब तक के
कमेटी गठित नहीं होती तब तक मैं आंदोलन में बैठूंगा। फिर ये ना कहे कि आपने आंदोलन और धरना क्यों दिया। हम पत्र व्यवहार कब से आपके सामने मांग कर रहे कि कम से कम कमेटी बना के मुख्य दोषी कौन है वो थाने करके जनता के सामने आना चाहिए।